मैं कुछ दिन पहले दिल्ली गया था नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स के लिए और मैंने डिसाइड किया कि एक दिन पहले जाकर यहाँ मौजूद RRTS या जो हमारी NCRTC की रैपिडेक्स है इसे ट्राई मुझे जरूर करना चाहिए और यही मैंने किया। आज के इस वीडियो में मेरे पर्सनल ओपिनियंस आप जानोगे इस ब्रांड न्यू ट्रांजिट सिस्टम के बारे में। तो यार अब जिन लोगों को नहीं पता मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सिस्टम एक्चुअल में अलग क्या है और जिनको ऑलरेडी पता है वो डायरेक्टली मेरे ओपिनियन के ऊपर स्किप कर सकते हैं अगले टाइम स्टैम्प के ऊपर। अब देखो दिल्ली के आसपास में कई सारे बड़े शहर हैं और उनको तेजी से कनेक्ट करने के लिए रैपिडेक्स ये सिस्टम बनाया गया है और सिस्टम ये इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। ब्रेक्स यहाँ पे भारत के अंदर एल्स्टॉम के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर जो स्टेशन मौजूद है वो मेट्रो की तरह बहुत कम डिस्टेंसेज में मौजूद नहीं है और यहाँ पर ये सिस्टम दूर मौजूद सैटेलाइट सिटीज से दिल्ली की तरफ आने वाले और शाम की तरफ काम करके बाहर जाने वाले लोगों को बहुत बड़ी हेल्प देंगे और यहीं पर मैंने अपना विजिट किया। सबसे पहले तो यहाँ पर अभी करेंटली साहिबाबाद से लेकर मोदी नगर तक का जो सेक्शन है RRTS का वो ओपन है। हालांकि जो फुल फाइनल प्लान होगा उसके सबसे सराय काले खा से लेकर पूरे मेरठ तक रैपिडेक्स जाएगी, लेकिन जिस दिन मैंने इस सिस्टम को विजिट किया उसके एक दिन पहले ही साहिबाबाद से लेकर मोदी नगर तक के लिए सिस्टम पब्लिक के लिए ओपन किया गया था, लेकिन एक्चुअल ऑपरेशन पब्लिक के लिए जो है वो उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे होने वाले थे, जिसकी वजह से मैं उस फाइनल डे पे RRTS को विजिट कर पाया बड़े स्ट्रेच के ओपन होने से पहले। इसकी वजह से एक फायदा मुझे जरूर मिला, छोटे स्ट्रेच में होने की वजह से भीड़ इतनी नहीं थी और इसकी वजह से फिल्मिंग में मुझे थोड़ी आसानी हुई, क्योंकि मोदी नगर तक स्ट्रेच जब ओपन हो जाएगा तब साहिबाबाद से भी अच्छा खासा क्राउड यहाँ पर डेली यहाँ से ट्रेवल करने लगेगा। तो शुरू करते हैं। पहली बात, मैं यहाँ पर पहुंचा कैसे? मैंने मोहन नगर तक रेड लाइन की मेट्रो ली, जिसके बाद मैंने रैपिडो करते हुए ₹25 में यहाँ तक मैं पहुंच गया। अब यहाँ पे आने के बाद मेरे इंप्रेशन क्या है स्टेशन के बारे में? पहली बात जो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आई वो थी स्टेशन का साइज कितना बड़ा है। मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो मेट्रो के स्टेशन छोटे नहीं होते लेकिन बहुत ज्यादा मैसिव भी नहीं होते। RRTS जो है वो स्टैंडर्ड गेज पर बनी हुई ट्रेन है, लेकिन ये ज्यादा दूरी में लोगों को भी केटर करेगी, जिसकी वजह से जो लोग यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेवल करेंगे उनकी संख्या भी ज्यादा होगी। आप ऐसे मान के चलिए जो इंडियन रेलवे के हमें स्टेशन की विड्थ देखने मिलती है, जिस तरीके के हमें एक बहुत ज्यादा बड़े स्ट्रक्चर नजर आते हैं, स्टेशन का लैंड एरिया नजर आता है, वो काइंड ऑफ एरिया यहाँ पर एलिवेटेड प्रकार से बनाया गया है। कंपैरेटिवली मेट्रो से ये बहुत ज्यादा बड़े स्टेशन्स है, ऊंची छतें हैं, बहुत वाइड प्लेटफॉर्म्स है, सीढ़ियां, जो भी कॉन्कोर्स एरिया वगैरह होता है ये बड़ा है। और मैं ये बस इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत खाली सिस्टम में गया था जब लोग नहीं थे। मेरा जो एनालिसिस है कई सारे सिस्टम्स को ओपनिंग के पहले देखने का, उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि ये सिस्टम के अंदर के स्टेशन बड़े है। सेकेंडली यहाँ का लेआउट एंड डिजाइन, अब जब मैं गया था तब सारे के सारे एंट्रेंसेस और एग्जिट्स ओपन नहीं थे, तो जो एंट्रेंस ओपन था वहां से मैं गया और जो भी फैसिलिटीज आज के डेट में स्टेशन पर होनी चाहिए वो वहां पर है। पार्किंग एरियाज है, एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स, ये दोनों यहाँ पर मौजूद है। सीढ़ियां भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से डिजाइन की गई है रोड के चारों तरफ से लोगों को अंदर ले आने के लिए, और अंदर घुसते ही आपको एक वो जो ग्रैंड एक दिखने लगता है कॉन्कोर्स, वो काफी अच्छे से मॉडर्न तरीके से डिजाइन किया गया है और क्राउड फ्लो को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। अब आते हैं टिकटिंग पे। अब मेरे पास NCMC कार्ड जो है वो मैं मुंबई भूल गया था और वैसे भी मैं किसी और को वो देने वाला था, तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर ही मैं एक NCMC कार्ड बनवा लेता हूँ ताकि देश भर के अंदर और सारे मेट्रोस के अंदर भी इजीली सफर कर पाऊँ। टिकटिंग स्टाफ काफी कर्टेशियस था, 2 मिनट में मेरा कार्ड बन गया और ऑब्वियसली ये कार्ड यहाँ पर भी चलता है टिकट्स के साथ और मैं एंटर करता हूँ इस स्टेशन के अंदर। इसके बाद में मेरे साथ एक छोटा सा स्कैम हो जाता है। स्कैम हो गया भाई मेरे साथ, ₹210 की ड्रिंक पड़ी है मेरे को, ₹220 की पड़ी है। छोड़ो अभी, उस स्टार्टअप को दान कर दिए मैंने वो पैसे। मेरे को प्यास लगी थी तो मैंने सोचा इस वेंडिंग मशीन में से कुछ ले लेता हूँ, तो मैंने एक बार पेमेंट किया लेकिन मेरा कैन अटक गया। बाद में मैंने सोचा किसी को बताओ, फिर मैंने सोचा छोड़ो यार एक काम करता हूँ 2 कैन ले लेता हूँ, बाद में काम आ जाएगा और पहला कैन दूसरा कैन दोनों गिरेगा। लेकिन हुआ ये कि दूसरे कैन की वजह से पहला कैन तो गिर गया लेकिन फिर से दूसरा वाला अटक गया, और ये मेरे अकेले के साथ नहीं हुआ था, ऐसे एग्जांपल्स इस मशीन में थे। तो इसके ऊपर छोटा मोटा काम होना चाहिए, बहुत बड़ा इशू ये नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली लोगों के पैसे ऐसे वेस्ट नहीं होने चाहिए। फाइनली मैं पहुंचा अंदर प्लेटफॉर्म्स पे और ये भी काफी मैसिव है, स्पेशली जो यहाँ का फसा और रूफ बनाया गया है ये मुझे काफी ज्यादा ओपन फीलिंग दे रहा था रादर देन कुछ मेट्रो सिस्टम्स जो काफी क्लॉस्ट्रोफोबिक लगते हैं। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी काइंड ऑफ हाइट में ज्यादा है कंपैरेटिवली सब मेट्रोस, और ऑब्वियसली ब्रांड न्यू होने की वजह से ये काफी ज्यादा चमकते धमकते ब्रांड न्यू है। सीटिंग एरियाज यहाँ पर डिसेंट इनफ है, फिलहाल फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन फ्यूचर में बढ़ेगी। और फाइनली मैं बात करता हूँ यहाँ पर आने वाले ट्रेन्स की। ये जो ट्रेन है जब पहली बार बनकर आई थी दिल्ली तब मैंने इसके बारे में ट्वीट किया था और लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये इंडिया की ही ट्रेन है, इंडिया में ही
बनी है इंडियन सिस्टम के लिए। और जब आप सामने सामने इसको देखते हो तो ऑब्वियसली जो भी आपने देखा होगा चाहे मेट्रो हो या कोई ट्रेन, ये उसको ऑब्वियसली बीट कर दी है। जो फिट एंड फिनिश है, जो क्वालिटी है, वो अपने आप में लाजवाब है। इसके बाद में ट्रेन के बारे में मैं बात करता हूँ। ऑब्वियसली सीटिंग जो है वो कंफर्टेबल है, जो सीट्स के बीच के अंदर दिया हुआ गैप है वो भी अच्छा खासा है। विमेंस के लिए एक रिजर्व्ड कोच भी है और हर सीट के ऊपर आपको चार्जिंग के लिए पोर्ट्स नजर आएंगे। और ये वो पोर्ट्स नहीं है जो बहुत ही हद स्लो स्पीड में चार्जिंग करते हैं, ये डिसेंट स्पीड में चार्जिंग कर देते हैं। लेकिन एक जो स्पेसिफिक चीज के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, जो मैंने फिर से पर्सनली ऑब्जर्व की, वो है इन ट्रेन की स्मूथनेस। अब दोस्तों ये ट्रेन अभी फिलहाल 160 की स्पीड पे तो नहीं चल रही थी जब मैंने ट्रैवल किया, लेकिन 138 तक का हाईएस्ट स्पीड मैंने ऑब्जर्व किया मैं जब ट्रैवल कर रहा था तब। और इस स्पीड पर भी आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके चाय के कप के अंदर से एक बूंद भी चाय छलकेगी नहीं अगर आप इस ट्रेन में से ट्रैवल कर रहे हो। आपको समझ भी नहीं आएगा 140 तक की स्पीड या 138 तक की स्पीड या हो सकता है 160 तक की स्पीड भी पहुंच जाए। मैंने एक टाइम लैप शूट किया था जहां पर मैंने मेरा कैमरा जो है वो बस खिड़की के ऊपर रख दिया। मैंने ना कोई यहाँ पर सक्शन कप का इस्तेमाल किया, ना कोई ट्राइपॉड इस्तेमाल किया, बस एक जगह पर रखा हुआ था और इसकी पोजीशन 1 सेंटीमीटर भी यहाँ से वहां नहीं हुई। इतनी स्मूथ ये ट्रेन थी। एयर कंडीशनिंग अच्छा खासा है और एक्सेलरेशन भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया। काइंड ऑफ मैं थोड़ा जलने लग गया कि मुंबई के अंदर ऐसा क्यों नहीं बन रहा कुछ। अभी तो फिलहाल ट्रेन में इतने लोग नहीं थे, लेकिन जो मेरे एक्सपेक्टेशन से फ्यूचर के साथ में जो मैंने एरियाज यहाँ पे देखे जहाँ से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, वो आगे जाकर पब्लिक का इस्तेमाल इस ट्रेन में बढ़ाएंगे। अगली बात मैं करना चाहूंगा स्टाफ के बारे में। 4-5 ऐसे मौके आए जब मुझे स्टाफ से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मैंने बैठकर बात की, बट चाहे वो नॉर्मल टिकटिंग वाली चीज हो, सिक्योरिटी हो। एग्जाम्पल, जब मैं दुबई डेपो स्टेशन पहुंच गया तो मैं वहीं से रिटर्न जाने वाला था। मैंने इंडिकेटर पे देखा कि साहिबाबाद लिखा हुआ है तो मुझे लगा यही ट्रेन जाएगी और इसलिए मैं उसी ट्रेन के अंदर बैठा रहा। मैंने स्टेशन ज्यादा शूट नहीं किया, लेकिन स्टाफ जो ट्रेन के अंदर था उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि ये ट्रेन जो है ये पहले नहीं जाएगी, जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर वो पहले जाएगी। और उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट भी कर दिया कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शॉर्टेस्ट वे कौन सा है। मैं ब्रिज के थ्रू दूसरे प्लेटफॉर्म पर गया और वहीं से मैंने शुरुआत की मेरे रिटर्न जर्नी की। विद इन 1 घंटे से भी कम समय के अंदर मैं मोहन नगर मेट्रो स्टेशन से RRTS जाके वापस आकर वापस मोहन नगर मेट्रो स्टेशन पहुंच गया था। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही यूनिक, इंस्पायरिंग और फ्यूचर की तरफ होपफुल बनाने वाला था। NCRTC की टीम ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। वर्ल्ड क्लास लेवल का सिस्टम एक दिल्ली को मिला है। होपफुली NCRTC वो अभी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, लेकिन DMRC जो आज देश भर के अंदर मेट्रोज बनाने के लिए कंसल्टिंग करती है और इनफैक्ट कई जगह बनाती भी है, वो लेवल का मुकाम NCRTC हासिल करेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जो इनका पहला ही प्रोजेक्ट है उसकी डिलीवरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप कभी दिल्ली जा रहे हो या मेरठ की तरफ आपको ट्रैवल करना है दिल्ली से या फिर वैसा वैसा, आप जरूर इस सिस्टम का इस्तेमाल करके देखिए। आपको ऑब्वियसली ये चीज जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।